वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत जो परीक्षाएं होने वाली है, शिक्षक भर्ती परीक्षा और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, पीजीजी, टीजीटी, पीआरटी, पीआरटी म्यूज़िक, इन सब के लिए जो परीक्षाएँ आयोजित होने वाली है, उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। अगर आपने CTET 2018 का फॉर्म भर दिया है और अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है और मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप लोग फॉर्म कैसे भरोगे जो CTET 2018 का एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं और उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, और जो CTET पास कर चुके हैं वो भी इस वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर कुछ हेल्प शायद आपको मिल जाए, अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों को बहुत सारा डाउट है, उस डाउट को इस वीडियोस में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर खोल लीजिए, अपने गूगल बार पर सर्च कर लीजिए KVS, फिर वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी आपको। उसके बाद जैसे ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके मोबाइल स्क्रीन या PC पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले क्लिक हेयर टू अप्लाई और नाइट फॉर KVS रिक्रूटमेंट और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल PGT TGT लाइब्रेरियन NPRT म्यूज़िक, ये जो लिखा है ठीक है, इसको आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप CBSE की इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ बहुत सारा चीज़ दिया गया है आपको, तो फिलहाल मैं आपको ज़्यादा चीज़ यहाँ नहीं बताऊँगा, सिर्फ अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करें और अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको अपने PC या मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने वीडियोस अधिक लंबी ना बने इसलिए मैंने सारा चीज़ फिलअप करके रख लिया है, और आपको कहाँ क्या फिल करना है इसके बारे में भी आपको पूरी तरह से बताऊँगा। सबसे पहले जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ नेम फर्स्ट नाम फिलअप कर लीजिए, लास्ट नेम फिलअप कर लीजिए ठीक है, और जो लास्ट नेम है जो अंतिम है, जैसे कि आपका टाइटल क्या है उसका ये लास्ट नेम होता है। कुछ लोग मेरे से कमेंट करके पूछ रहे थे सर मैं लास्ट नेम में क्या भरें, तो जो आपका जो टाइटल है उसको लास्ट नेम में डाल दीजिए और बाकी जो है उसको फर्स्ट नेम में डाल सकते हैं आप। मदर्स नेम डाल दीजिए, फादर्स नेम डाल दीजिए, इंटर गवर्नमेंट ID ठीक है, तो जो आपका गवर्नमेंट ID है, जैसे कि अगर आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पैन कार्ड, जो भी आप डालना चाहते हैं डाल दीजिए। जैसे मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट करके यहाँ आधार कार्ड सिर्फ आपको बताने के लिए कुछ भी आधार कार्ड डाल दिया हूँ। मेल फीमेल सेलेक्ट कर लें, और यहाँ अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये मान के चलता हूँ आप सिंगल हैं। रिलीजन सर्च यहाँ डाल सकते हैं, सपोज दैट यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, अदर्स, जो भी लिखा है आप जिसको भी आप जो भी हैं सेलेक्ट कर सकते हैं, ये मान के चलता हूँ कि आप हिंदू हैं। कैटेगरी यहाँ डाल सकते हैं, कैटेगरी में जनरल ST ST OBC, तो जनरल मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जनरल हैं, और या जो भी आप हैं उसको डालें। SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट का सर्टिफिकेट चलेगा, और OBC है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जो सर्टिफिकेट वो चलेगी, उसके लिए स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा ठीक। अगर आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट है तो शीघ्र ही OBC का सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला बनवा लें ठीक। अगर आप हैंडीकैप हैं तो यस करें और नो करें, KVS एम्प्लॉई हैं तो यस करें अथवा नो करें ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो यस या नो, तो मैं ये मान के चलता हूँ कोई आप बेरोज़गार हैं और किसी तरह का कोई जॉब सरकारी जॉब में नहीं है ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो यस या नो, तो आप हैं तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो ठीक। एक्स सर्विसमैन है क्या, तो यस या नो, ये मान के चलता हूँ अब नो। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ मॉल ऑन नेक डाल दिया है, DOB डाल लें यहाँ पर अपना, DOB सही डालें तो कोई गलती ना हो, किसी भी तरह का कोई भी जब फॉर्म भरें तो किसी भी तरह का कोई गलती ना हो ठीक। आगे बढ़ते हैं, एड्रेस डाल दीजिए, मैं यहाँ फिलहाल बताने के लिए आपको कुछ भी एड्रेस डाल दिया हूँ ठीक है, आप अपना एड्रेस ऑथेंटिक डालें क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ईमेल ID और मोबाइल नंबर एकदम सही डालें, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन या कुछ भेजी जाएगी वो ईमेल ID पे आती है, तो इसका ध्यान रख दें। और जो इंटरव्यू लेटर वो भी बाद में बहुत सारे ईमेल ID के काम पड़ता है, इसलिए अपना जो ईमेल ID एक ऑथेंटिक ईमेल ID बनाएं ठीक है, और उसी ईमेल ID को यहाँ पर फिलअप करें। मोबाइल नंबर भी डाल दें, और अगर आप सेकेंडरी ऑप्शनल डालना चाहते हैं तो सेकेंडरी भी डाल सकते हैं, फिलहाल मैंने एक ही मोबाइल नंबर डाल दिया है, जो कि कुछ भी मोबाइल नंबर गलत है, ईमेल ID भी कुछ भी डाल दिया मैंने गलत है
फिलहाल ये मान के चलता हूँ कि मैं आप PRT टीचर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। फिलहाल आप बहुत सारे पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आपकी अगर क्वालिफिकेशन है तो। जैसे भी आप PRT टीचर पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ PRT टीचर म्यूज़िक भी है, ठीक है। तो आप जो भी हैं जिस पर अप्लाई करना चाहते उसी के लिए क्लिक करें, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जैसे PRT म्यूज़िक पर क्लिक करेंगे आप, आपको इस तरह का ये जो दिख रहा है ऑप्शन दिख रहा है, ये आपको आपके PC पर दिखाई देगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे और उस ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक। सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वॉट एवर नेम नोन। अगर आपने 2 वर्ष डिप्लोमा किया है और 12वीं पास किया है तो इसको सेलेक्ट कर लें, फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला, अगर आपने 4 वर्ष से BLED किया है तो सेकेंड वाला सेलेक्ट कर लें, ठीक। थर्ड वाला, अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में 2 ईयर डिप्लोमा किया है तो थर्ड वाला सेलेक्ट कर लें। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd किया है आपने तो थर्ड वाला सेलेक्ट कर लें। देखिए ये PRT टीचर के लिए है ना, जैसे कि आपकी अभी आपको पता चल ही गया होगा कि BEd वाले भी आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये इसको किया गया है। और इसमें बताया गया है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने के बाद उसका सर्विस को कंटिन्यू आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक। 6 महीने का ब्रिज कोर्स उन लोगों को करना पड़ेगा जिन्होंने BEd किया है और ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर वो PRT टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। तो आप ये मान के चलता हूँ मैं कि अगर 12वीं पास किया है आपने और आपके पास डिप्लोमा है, ठीक, और आप CTET पास नहीं किए भी हैं तो भी आप, जैसे कि अभी उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली, नहीं किए हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं और किए हैं तब भी इसी को कर सकते हैं अगर आपके पास यही क्वालिफिकेशन है। आगे बढ़ते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है SSL क्वालिफिकेशन तो यस करेंगे इसको। डू यू फील डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, यस, इसको यस करेंगे, हम डिजायर करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको आपको एग्ज़ाम सेंटर यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो 4 एग्ज़ाम सेंटर है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको 4 एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ ये जो सेलेक्ट प्रेफरेंस फॉर पोस्टिंग जोन, तो देखिए ये जो जोन है इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको भरने के लिए आपको सबसे, मैं एक वीडियोज़ बना चुका हूँ इसके रिगार्डिंग, स्पेशल इसलिए के लिए बनाया हूँ, आप उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस बॉक्स पे जाकर आप उस वीडियोज़ को देख सकते हैं कि कहाँ क्या फिल करना है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको भर सकते हैं। भाई आपको वेस्ट जोन में पोस्टिंग लेना है, साउथ में लेना है कि नॉर्थ में लेना है, ठीक है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको भर सकते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा वीडियोज़ को देख लें, आपको शायद कुछ हेल्प मिल जाए। उसके बाद हम चलते हैं हम मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश मैंने यहाँ बायलिंगुअल पर सेलेक्ट कर दिया है, यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपको इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश में ले लीजिए, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में ले लीजिए, और बायलिंगुअल चाहिए तो आप यहाँ दोनों से ले सकते हैं। फिलहाल मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों पर सेलेक्ट कर लिया है और यही अच्छा है, आप बायलिंगुअल ही सेलेक्ट करें। 10वीं में ईयर पासिंग, देखिए यहाँ देखिए नेम ऑफ डिग्री और ईयर ऑफ पासिंग और यूनिवर्सिटी किस बोर्ड से आपने पास किया है, परसेंटेज कितनी है उसको डालना है। 10वीं मैं सपोज दैट 2011 में पास किया, CBSE बोर्ड से पास किया आपने, और ये कुछ परसेंट जो यहाँ वो परसेंट डाल दिया है मैंने, ठीक है, ठीक। यहाँ डेसिमल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका डेसिमल में। 12th में आपका कौन सी ईयर में पास किया, किस बोर्ड से पास किया, ये फिलअप करना है, परसेंट कितना लाया उसको फिलअप करना है। अब स्पेशल चीज ये है कि देखिए डिप्लोमा, ठीक, अगर आपका डिप्लोमा 2 वर्षीय कोर्स का है, ठीक है, तो थर्ड नंबर देखिए डिप्लोमा लिखा है। अगर आपने 2 वर्ष डिप्लोमा किया है, चाहे जो भी नाम से जाना जा सकता है, जैसे BTC किया हो, आपने JBT किया हो, DED किया हो या DLED किया हो, ठीक, तो 2 वर्ष जो डिप्लोमा कोर्स है उसको यहाँ फिलअप करना है, ठीक। तो किस ईयर में आपने पास किया उसको यहाँ फिलअप कर दीजिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है, जैसे स्टेट बोर्ड SCERT है, SCERT से आपने किया, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग से किया, तो यहाँ उसको फिर डालें और उसके बाद जितना परसेंट आपने लाया वो फिलअप करें। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो जैसे मैंने सबसे ऊपर में सबसे शुरू बताया, आपके पास ग्रेजुएशन है तो यहाँ सेलेक्ट कर लें, अन्यथा नहीं। तो फिलहाल अभी ये मान के चलता हूँ कि आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, नहीं तो ये सारी चीज़ आपको फिलअप करने पड़ेंगे, ठीक। अब पोस्ट ग्रेजुएशन है,
तो भी आप यहाँ अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार यहाँ फिलअप कर सकते हैं। और जो DED/BLED दिया है, अगर आपने 4 वर्षीय पाठ्यक्रम का कोर्स किया है तो यहाँ DLED वाला सेलेक्ट कर, ये सॉरी BLED वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ परसेंट यूनिवर्सिटी और यहाँ किस ईयर आप किस ईयर में आपने पास किया वो फिलअप करेंगे। अब देखिए यहाँ BED अगर आपने कर रखा है तो यहाँ BED को फिलअप करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपने जो किया है आप वही फिलअप करेंगे। यूनिवर्सिटीज़ का किस ईयर में पास किया, यूनिवर्सिटी कौन सी है, कितना परसेंट लाया आपने, वो फिलअप करना है। लास्ट पे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आती है कि CTET पेपर 1 और CTET पेपर 2। अब मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि पहले इसके रिगार्डिंग जिस दिन ये लिंक ओपन हुआ था सबसे पहले, उस दिन मैंने इसके रिगार्डिंग कैसे फिलअप करना है उसके बारे में वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ। उस समय ये वाला जो ऑप्शन था जिसमें अभी अगर मैं इसको इसमें ये लिखा हुआ है इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर 2018 कैंडिडेट्स, इसके जो यहाँ जो दिख रहा है उसके स्थान पर यही लिखा है। फिलहाल अभी मैं कुछ भी यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया हूँ। अगर आप CTET पेपर 1 आपने क्लियर नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, ईयर ऑफ पासिंग। तो इस जो डिब्बा दिख रहा है वहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग का डालना पड़ेगा। जैसे आपने ये मान के चलता हूँ कि आपने CTET पास नहीं किया है तो 2018 डाल दें, क्योंकि इस ईयर आप भरने जा रहे हैं, फॉर्म भर दिया है आपने। और यहाँ आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर, जो CTET का जो ऑथेंटिक रजिस्ट्रेशन नंबर, देखिए इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ ऑथेंटिक रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। और चूंकि आपने परीक्षा तो दी नहीं है, आप तो मार्क्स तो अभी है नहीं, इसलिए इस वाले जो सेक्शन डिब्बा है सामने वाला यहाँ पर ये जो ये इसको खाली रखेंगे, इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पेपर 2, ठीक है, अगर आप पेपर 2 के लिए भी एलिजिबल हैं अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार तो ये उसके लिए भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो BED किया है और जो ग्रेजुएशन किया है वो दोनों चीज़ के लिए भरना चाहेगा, ठीक है, PRT के लिए भी भरना चाहेगा और TGT के लिए भी भरना चाहेगा। तो क्या उस दोनों को फिलअप करना ज़रूरी है? यस। देखिए जो प्राइमरी टीचर की जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए CTET पेपर 1 पास होना ज़रूरी है, ठीक है, तो इसके लिए आप तो पेपर 1 सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद पेपर 2 आपके TGT के लिए ज़रूरी है, इसलिए आप दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, यहाँ ईयर ऑफ पासिंग डालना पड़ेगा, ये जो यहाँ सेक्शन में, और यहाँ आपका जो नंबर है फिलहाल अभी अगर आपने पास नहीं किया तो इसको ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ भरने पड़ेंगे जैसे ऊपर में मैंने यहाँ PRT के लिए भरा है, ठीक है। अब सारी जानकारी एक बार आप जाँच कर लें, देख लें, ठीक है, उसके बाद यहाँ सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ सबमिट करने वाला जो यहाँ सेक्शन दिया है यहाँ रेड कलर का, आई एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने वाला हूँ। तो चलिए आई एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने सेलेक्ट कर दिया है, अब प्रोसेसिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स ये सारी जानकारी यहाँ आ गई है और इसको आप अच्छे से ध्यान से एक बार फिर से देख लें। अगर आप किसी तरह का कोई गलती कर लिए हैं या नहीं किए हैं या फिर जो भी है तो एक बार इसको अच्छी तरह से एक बार और जांच लें, अपने तरफ से एक बार अच्छी तरह से एक बार और कंफर्म कर लें, क्योंकि किसी भी तरह का कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिलहाल अभी मैं सबमिट स्टेप 1 पर क्लिक करने वाला हूँ जो ग्रीन यहाँ दिख रहा है, तो फिलहाल ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। और इसको देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि डेट वंस सबमिटेड कांट बी चेंज्ड, ठीक है, तो फिलहाल मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने सही जानकारी भरी और ओके पर क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए यहाँ सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है, स्टेप 1 सक्सेसफुली हो गया और यहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया है। तो लॉग इन विथ योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ टू कंप्लीट स्टेप 2, ठीक है। तो यहाँ 1000 रुपये पे करने के लिए कह रहा है क्योंकि मैंने जनरल से फॉर्म भरा है। और टू गो टू लॉगिन, तो मैं यहाँ टू गो टू लॉगिन पर क्लिक करने वाला हूँ और लॉगिन पेज पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉगिन पेज पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और DOB डालकर आपको यहाँ कैप्चा डालकर आपको साइन इन करना होगा और अपना जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है और यहाँ DOB भी डाल दिया है, देखते हैं आगे सबमिट करते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप उस पेज पर पहुँचेंगे जहाँ आपको फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका सारा चीज़ आ चुका है, यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो मैं यहाँ
फ़ोटो और अपना सिग्नेचर अपने फाइल में जाकर, जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ अपना जो फाइल जाएगा उस पर अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए और सिग्नेचर सेलेक्ट कर लिए। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे होंगे अभी स्क्रीन पर, मैंने यहाँ की इमेज कोई सा भी अपलोड कर दिया है और ये एक साइन भी कोई सा भी अपलोड कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इमेज बहुत फनी है, इसके लिए फ़िलहाल काम की बात करते हैं और उसके बाद सबमिट स्टेप टू पर क्लिक करते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सर्चिंग लेने लगती है और आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम स्टेप टू पर अब यहाँ दिखा रहा है कैंडिडेट डिटेल्स वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, और यहाँ नेम, मदर्स नेम वगैरह वगैरह जो भी है। उसके बाद स्टेप टू कंप्लीटेड सक्सेसफुली, गो टू स्टेप थ्री फॉर फी पेमेंट। अब जो कंटिन्यू टू स्टेप थ्री पर क्लिक करते हैं, अब जो पेज आएगा उसमें आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। तो मुझे लगता है आप अभी तक पेमेंट करना तो आपको आता ही हो, ठीक है, तो 1000 रुपये पे करना है। अब यहाँ पर हम पे सेक्शन पे चले जाते हैं, जिस पेज पर अपना डेबिट कार्ड का डिटेल देना होगा। आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं अथवा बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट प्लस एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उसके उस मोड का सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जैसे यहाँ डेबिट कार्ड से अगर करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट करिए और यहाँ अपना जो कार्ड का डिटेल है सारा चीज़ करके, अपना जो ओटीपी आएगा उसको ओटीपी इनपुट करके उसको डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक कंफर्मेशन पेज मिलेगी आपको, उस कंफर्मेशन पेज को आप प्रिंट आउट निकलवा कर रख लें और उसको 2-3 पेज रख लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि KVS का कैसे फॉर्म भरना है, सारे जो डाउट्स थे मुझे लगता है मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, ठीक है, अगर कोई भी अभी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए शुक्रिया। और अपना जो अभी है, जो KVS का एग्ज़ाम आप देंगे या CTET का एग्ज़ाम देंगे, तो इसके लिए सिलेबस में मैं जानता हूँ आपके मन में किस तरह की परेशानियाँ होंगी, तो इसके रिगार्डिंग मैं और भी वीडियोस बनाऊँगा, किस तरह तैयारी करना है, सिलेबस क्या होगी, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इस चैनल के साथ बने रहें और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरों लोग भी इसका लाभ ले सकें। और ये वीडियोस तो उन लोग के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगी जो CTET 2018 का एग्ज़ाम दे रहे हैं और पहले CTET का एग्ज़ाम पास नहीं किए हैं। तो डेफिनेटली इस वीडियोस को उन लोगों तक पहुँचाएँ, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब, नमस्कार।